सबसे पहले हीनू को और उसकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो। और आज उन्होंने रिवील भी कर दिया है आज के, तो मैं चली गई चूस लेके, मैं वहाँ पहुँच गई कि नहीं मुझे हीनू से मिलना है। और मैं ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मस्त होंगे। जय श्री राम आप सभी लोगों को। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं तन्नू कार्की आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मैं ना रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि निमंत्रण में जा रहे हैं और अभी तक ना घर के सारे कामों में उलझी हुई थी, जो एक गृहिणी उलझी होती है उसी तरह से। तो मतलब घर के अभी तक के ना काम वाम निपटाए, गोलू और मैं रेडी होके जा रहे हैं। खुशी गई है स्कूल, हम लोग जा रहे हैं अभी निमंत्रण में। तो चलो अभी चलते हैं, गोलू रेडी हो चुका है, गोलू से भी मैं आपको मिलाती हूँ। ये तो मेरा बाबू भी रेडी हो गया है। तो आज ना उसने सुंदर सी अपनी जीन्स और स्वेटर पहनी है। तो आपको अच्छा लग रहा है? पार्टी में जा रहे हो? हाँ। क्या खाओगे पार्टी में? क्या खाओगे पार्टी खाओगे? चलो फिर हम चलते हैं, चलो। बढ़िया सी आज धूप के लिए आओ, धूप तो खिली है ना लेकिन हवा भी उतनी ही चल रही है यार। तो चलो फटाफट से जाते हैं और आते हैं, बाल परेशान कर रहे हैं। तो चलो आते हैं अभी, दूर नहीं जाते। मेरे हीरो को तो ना चलो चलो, तो हम लोग ना रेडी हो गए, चल रहे हैं। और ये गोलू ना कह रहा है ट्रैक्टर के वहाँ जाते हैं, लेकिन इसको कौन समझाए, ट्रैक्टर के वहाँ नहीं पार्टी में जाना है। अभी कह रहा था ना पार्टी में खाना खाएंगे, कहा था ना। तो ये दीदी आ रहे और ये तन्नू साथ में, और आगे से भाभी लोग ताई लोग सब चले गए। और ये गोलू को ज़बरदस्ती गोद में पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। ओह रे, और ये तो हम लोग यहाँ गए और निमंत्रण में गोलू को चाहिए क्या पूरी गम है। ये गोलू जा रहा है अपने बुब्बू के साथ। तो एक खुशी भी रास्ते से ही आज निमंत्रण में गई ना, और पापा और चाचा जी आ रहे। हेलो, अरे गोलू पास गया या कोई पकड़ो। चलो आप आगे से चलो भैया के, ट्रैक्टर आ रहा है बेटू। तो ना गोलू को ट्रैक्टर बहुत पसंद है, तो ट्रैक्टर की आवाज़ सुन रहा है तो रुक जा रहा है ट्रैक्टर के लिए। तो आज खुशी ना जैसे हम लोग कभी बचपन में हम लोग करते थे ना पहाड़ों में, तो निमंत्रण आता था गांव से, तो स्कूल से आते थे तो सीधे वैसे ही स्कूल के कपड़ों में निमंत्रण में चले जाते थे। तो आज मेरा बचपन फिर से लौट आया खुशी के रूप में। तो खुशी स्कूल के कपड़ों में निमंत्रण में चली गई। आज से यानी कि 2 फरवरी से खुशी का ना ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। खुशी हो रही है ट्यूशन के लिए रेडी, लेकिन ये ना आज के लिए इसको नींद आ रही। लो फटाफट रेडी हो जाओ, दीदी आ गई बाबू। चलो कल पीटीएम है, कल स्कूल की छुट्टी।
तो ये गई खुशी ट्यूशन। अभी मुड़ मुड़ के देख रही है, आज ना बहुत दिनों के बाद ट्यूशन जा रही है। यानी कि मतलब खुशी ना जनवरी के पूरे महीने ट्यूशन नहीं गई। आधे दिसंबर से मैंने खुशी को ना ट्यूशन नहीं भेजा, वो इसलिए क्योंकि उसको ना ठंडा एकदम से लग जाता है, मतलब बहुत जल्दी ठंडा पकड़ जाता है ना। चली गई फाइनली, मैंने उसे परेशान करती है पर परेशान नहीं कर रही है, चली गई मेरी बाबू अच्छे से। तो ना खुशी तो गई ट्यूशन और मैं थोड़ी देर लेट गई थी गोलू के साथ। नींद तो नहीं आई, बस लेटते लेटते मैंने हीनू का ब्लॉग देखा। तो हीनू के ब्लॉग ना मैं डेली देखती हूँ और एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ वो यार क्या ही कहूँ, अगर मैं बताऊँगी ना तो आप लोग भी मेरे पास हंसोगे। एक्चुअली हुआ ये था कि हीनू की डिलीवरी हुई थी। सबसे पहले हीनू को और उसकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो, और आज उन्होंने रिवील भी कर दिया है आज की बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है, तो उनका हुई है, वो बेबी गर्ल हुई है। तो उनके घर लक्ष्मी आई है, तो पूरे परिवार को हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पापा भी, मतलब हमारे पापा भी ना जो मेरे ससुर जी हैं, वो भी हीनू के ब्लॉग देखते हैं, तो बहुत अच्छी हैं इन्हों और बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो साथ ही अभी जब मैंने उनका ब्लॉग देखा तो फिर मुझे वही बात याद आ गई कुछ दिन पहले की। तो कुछ दिन पहले ये हुआ था कि हीनू की जो डिलीवरी हुई थी वो 27 जनवरी को हुई थी, और मुझे जो पता चला वो चला 29 जनवरी को। तो मैंने सोचा शायद कि कल इनकी बेटी हुई है और आज इन्होंने ब्लॉग अपलोड किया तो ये कल का ही होगा। तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ आधा खाना खाया, मतलब नाश्ता किया, फटाफट से रेडी हुई, गोलू को भी रेडी किया और मैं चल दी कहाँ, हॉस्पिटल। तो उनके जो ब्लॉगिंग इस बीच छलवन की चल रही थी, हॉस्पिटल की ब्लॉगिंग से मुझे पता चल गया था कि वो कौन सा हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ पहुँच गई, तो वो तो मैं चली गई चूस लेके, मैं वहाँ पहुँच गई कि नहीं मुझे हीनू से मिलना है। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए यार, मतलब पूछो मत, मतलब मैं ऐसी भागी ना यहाँ से, सच में मैं क्या ही कहूँ। और मुझे मतलब लग रहा था यार कि मैं आज मिल ही लूँगी, लेकिन नहीं मिल पाई, अभी मिलने का नहीं होगा। लेकिन उनको बहुत बहुत बधाई हो, और मैं ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और वो इतनी अच्छी ब्लॉगर हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। बस आशा करती हूँ कि आपका और आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, बहुत ब्राइट रहे, गॉड ब्लेस यू। तो खुशी आ गई ट्यूशन से। टोपी कहाँ है, टोपी पहनो, सबसे पहले टोपी पहनो। पापा भी बहुत डांटेंगे आपको। आज ट्यूशन का पहला दिन कैसा लगा बेटू? अच्छा। अच्छा लगा, चलो फिर बैग पकड़ो। तो मैं दूध भी ले आई और खुशी को भी लेने आई हूँ। तो ये देखो यहाँ की हरियाली, तो इसमें आजकल हो रखी है गेहूँ बुआई, तो जो गेहूँ भी जम गए हैं और सुंदर सी हरियाली हमारे फतेहपुर हरियाली में भर चुकी है। हनी भी आ गई ट्यूशन से, हेलो हनी। हेलो। चलो चलो फिर दीदी के साथ, तो ये चलो चलते हैं अब हम घर की तरफ। ठंडा हुआ?